नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो में आप सभी के साथ कुछ रीसेंट की ही खबरों पर चर्चा करेंगे, जहां पर साथियों आपके समायोजन को लेकर कुछ विवाद है जो कि सुर्खियों में है। आप देख लें कि क्या शिक्षा मित्रों की अधिक संख्या के कारण नहीं होगा समायोजन। दरअसल ये प्रश्न इस समय बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। जहां पर आप देख लें कि सीएम योगी बने बड़ा चेहरा, बिहार तक समाधान, वास्तविकता क्या है, पूरी जानकारी क्या है आगे वीडियो में आप सभी के साथ प्रॉपर तरीके से साझा करेंगे। तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब साथियों चलते हैं अपडेट पर। अब साथियों अपडेट खुलकर आ चुकी है, आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख लें कि भारत समाचार के द्वारा एक ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में क्या लिखा है, पहला पॉइंट देख लें कि यूपी ही नहीं अन्य राज्यों के लोगों को भी योगी पर भरोसा, और सेकंड आप देख लें कि बिहार तक से सीएम योगी के पास आ रहे हैं फरियादी, और तीसरा आप देख लें कि बिहार के लोगों ने समस्याओं के निस्तारण की गुहार लगाई, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी से ये गुहार लगाई है। जहां पर साथियों अन्य राज्यों की तो समस्या सॉल्व कर दी जा रही है, लेकिन अपने ही राज्य में यानी कि शिक्षा मित्रों अनुदेशकों जैसी समस्याएं जो है वो इनके द्वारा सॉल्व नहीं की गई। आप देख लें, दूसरा आप ट्वीट देख लें कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक को अगर उसने एक महीना शिक्षण कार्य किया है तो उसे बोनस देगी सरकार 60,000 देने के बाद, लेकिन जिसने 22 वर्ष नौकरी में दिया उसे अपमान और मौत, पता नहीं कौन सा समय चल रहा है, राम राज्य या रावण राज। अब इसी के बाद आप यहां पर देख लें कि यह चादर भी जय श्री राम नाम की है, जो एक सनातनी हिंदू का पहला वस्त्र होता है। आपको नहीं लगता माननीय योगी आदित्यनाथ जी कि इन यूपी के मरते शिक्षा मित्रों के साथ कुछ गलत हुआ है? यहां पर आप देख लें जो मेन पॉइंट है, आप यहां पर देख लें कि जो है यहां पर शिक्षा मित्रों की जो बात की गई है वो हैशटैग लगाकर इस तरीके से की गई है, ताकि ये जो मुद्दा है ये आपकी ट्रेंडिंग पेज पर शो करें। अब यहां पर आप सभी देख सकते हैं, दरअसल साथियों शिक्षकों को 60,000 वेतन देने के बाद उन्हें अन्य जो सुविधाएं हैं वो शिक्षकों को ही दी जाती हैं, वो शिक्षा मित्रों को नहीं दी जाती। उनका वेतन 10,000 है, लेकिन सरकार के द्वारा लगातार ये कहा जाता है कि 3500 से 10,000 हमने आप सभी का वेतन किया है, तो फिर उससे ज्यादा और क्यों। और साथियों कल आपने देखा होगा कि एक न्यूज निकल कर आई थी, जहां पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक बात कही गई थी कि जितने विभाग हैं यानी कि विभाग के वहां पर नाम दिए गए थे, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार से शिक्षा मित्रों की चर्चा उनके द्वारा नहीं की गई थी कि जितने भी विभाग हैं उनकी सारी समस्याएं ठीक की जाए, यानी कि सभी समस्याओं का समाधान किया जाए या फिर विचार किया जाए, लेकिन वहां पर शिक्षा मित्र और अनुदेशक की समस्याओं पर विचार करने को नहीं कहा गया। साथियों इस बात से ठीक ठीक देखने को मिलता है कि सरकार किस प्रकार से शिक्षा मित्रों को नजरअंदाज कर रही है। फिलहाल आप देख लें, यही इतनी अपडेट थी। अपडेट आपको कैसी लगी आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, इस पर अपनी अपनी राय जरूर साझा करें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, नमस्कार।